तो मौजूद हूँ बाबा की नगरी बनारस में, और यहाँ पर एक बेहतरीन सी शॉप मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर दिखाइए, यहाँ ये देखिए, यहाँ पर भैया जो है वो दूध बना रहे हैं, और ये दुकान इनकी काफ़ी फेमस है। मैं दुकान के प्रमोशन के साथ साथ ये भी कर रहा हूँ कि ये देखिए मेकिंग, देखिए कैसे बनाते हैं भाई साहब, कैसे बनाते हैं बोला, कैसे बनाते हैं दूध? दूध खौलाते हैं कढ़ाई में भैया, उसको रबली वाइस में पड़ता है पूरा उसमें। अच्छा, क्या ये कितने साल पुरानी दुकान है? कम से कम 60 साल तो हो गया होगा। 60 साल पुरानी दुकान देख पा रहे हैं, ये पूरा एक बड़ा सा ये जो देख रहे हैं कराहा इसको बोलेंगे, और इसमें दूध को इस तरह से मिलाते हैं, और इसमें काफ़ी क्रीम वगैरह सब कुछ डालते हैं। कमाल का है एक माहौल। ये इसका देखिए कटोरा, देखिए देख पा रहे हैं कटोरा कितना बड़ा है, इस कटोरे में ये बनाते हैं। और देखिए इनकी मेकिंग काफ़ी देसी है, थोड़ा सा पीछे दिखाइए, ये देखिए इस तरह यह जो चुक्कड़ है वो रखते हैं और ये बनाते हैं देसी अंदाज में। और मैं पीऊँगा अभी, एक बार बनाइए भैया, बना के दीजिए ज़रा माहौल, देखिए किस तरह की मेकिंग है, काफ़ी कमाल का है। बनारस में रहते हैं, अगर आप दूध का सेवन किए हैं कभी तो बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी अभी हम दूध पीकर आपको बताते हैं कैसा लगेगा। इसमें और डालिए कुछ, ये देखिए, ये देखिए मलाई वगैरह जो है एकदम चाँप कर इसमें डाला जा रहा है। और अभी मैं एक कटोरा दूध मारूंगा, ये मेरा ये सब फेवरेट चीज़ है, क्योंकि मैं काफ़ी बचपन से ही वेजिटेरियन हूँ, और मैं एकदम सादा चीज़ें पसंद करता हूँ। ये देखिए, देख पा रहे हैं ये सारी सामग्री इसमें डाला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रबड़ी, रबड़ी। ये देखिए, और ये क्या है आपका भैया, ये नहीं डालेंगे क्या? डालिए, ये भी एकदम चाँप कर डालिए, एकदम माहौल बना के, ये देखिए माहौल बन जाता है। और अपनी दुकान के थोड़ी सी प्रमोशन कर दीजिए, दुकान क्या कहाँ पर है, क्या है एड्रेस, ये थोड़ा बताइए आप। इंग्लिश लाइन पे है धर दुकान हमारी, ये देखिए पुस्तैनी दुकान हम लोग की है, पुस्तैनी दुकान है भैया, मज़ा आ गया भाई, पुस्तैनी दुकान है, 3 पीढ़ी चल चुकी है। कितने का है ये? 30 रुपया का एक कटोरा, 4-5 कटोरा पियेंगे आज। चलिए देख पा रहे हैं, मज़ा आ गया भाई। अगर आप दूध शौकीन है, देसी चीज़ों के शौकीन है, तो आइए यहाँ पर और देखिए किस तरह से ये लोग बना कर रखे हैं, एकदम तो मज़ा आ रहा है। ये सब पीने में जो आनंद है ना भाई, क्या कहना है। एक तो बाबा की नगरी है, दूसरा में ये देसी चीज़। जय महाकाल। वीडियो दूर तक शेयर कीजिएगा और भाई को प्रमोट कीजिएगा। स्टेशन से बगल में इनकी दुकान है और काफ़ी प्रचलित है, बहुत पुस्तैनी दुकान है, 60 साल पुरानी दुकान है। हर महादेव बोलिए, कह रहे हैं कि हर हर महादेव बोलिए, और महादेव की कृपा से तो मैं आप पहुँचे हैं, आप ही बोल दीजिए हर हर महादेव। चलिए आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और भाई को प्रमोट कीजिएगा, बाकी हम ध्यान दे रहे हैं इस पर।